हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्न विल विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 हनी ड्यूब बुक का 10वां एंड लास्ट चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस। 9वें चैप्टर में हमने इस का पहला भाग यानी पहला पार्ट पढ़ा था। अब आइए इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि अर्नेस्ट नामी एक लड़का है जिसकी माँ उससे एक ओल्ड प्रोफेसी के बारे में बतलाती है कि उनकी वादी में और उनकी वैली में एक ग्रेट स्टोन फेस जैसा कोई आदमी अपेयर होगा। जब उसकी माँ उससे ये बात कहती है तो उसके दिल में एक इच्छा जाहिर होती है कि काश कि वो उस दिन जिंदा रहता जब वो आदमी इस वैली में और इस वादी में आता। अब ये ग्रेट स्टोन फेस क्या है? ग्रेट स्टोन फेस ये वर्क ऑफ नेचर है कि कुछ पत्थर और कुछ रॉक्स इस तरीके से लगे हुए हैं, इस तरीके से जमा हैं, पाइल्ड हैं कि जिससे किसी इंसानी फीचर फेस के फीचर्स अपीयर होते हैं। ऐसा लगता है कि ये इंसानी फेस है लेकिन वो हकीकत में है कि नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसे हकीकत में वो नहीं है। इसलिए कि ये ग्रेट स्टोन फेस का जो चेहरा है, जो वो दिखता है, वो दूर से दिखता है। अगर कोई उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाए तो फिर वो ग्रेट स्टोन फेस इंसानी फीचर्स के साथ उस किसी को नहीं दिखते हैं। ये सब बातें हमने पढ़ी थी। अब आइए इस चैप्टर का ये वाला भाग पढ़ते हैं, द ग्रेट स्टोन फेस सेकेंड, कि इसमें क्या होता है, क्या वो ओल्ड प्रोफेसी जो उसकी माँ ने उससे बतलाया था वो पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई, या और कुछ और होगा इसमें, और अगर पूरी हुई तो कौन सा आदमी आया जिसके अंदर ग्रेट स्टोन फेस की रिजेंबलनेस थी या उसके जैसा था। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्न विल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। द ग्रेट स्टोन फेस सेकेंड। बिफोर यू रीड, मेनी ईयर्स पास्ट, अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज। बहुत से साल गुजर गए और अर्नेस्ट अब मिडिल एज का हो गया, यानी लड़के से वो अब एक बच्चे से मिडिल एज तक पहुंच गया। टू हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों के लिए, हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वॉज एनी थिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फेमिलियर फेस, ही वॉज ओनली अ हम्बल एंड हार्ड वर्किंग दो थॉटफुल पर्सन। उनके अपने पड़ोसियों के लिए, जिन्होंने कभी शंका भी नहीं की थी, कभी शक भी नहीं किया था कि ये एक फेमिलियर ऑर्डिनरी फेस से भी बड़ी कोई चीज़ है, यानी उससे ऊपर उठकर ये है, वो कैसा था, एक हम्बल यानी दयालु था, हार्ड वर्किंग मेहनती था, दो थॉटफुल और बहुत ही थॉटफुल था, फिक्रमंद रहने वाला, सोच विचार के साथ किसी काम को करने वाला आदमी था। कौन? ये अर्नेस्ट। लेकिन हमें अर्नेस्ट से नहीं मतलब है कि अर्नेस्ट कैसा था, या अर्नेस्ट के फीचर्स क्या थे, या अर्नेस्ट की के अंदर क्वालिटीज क्या थी। हमें तो मतलब है व्हाट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, उस ओल्ड प्रोफेसी का क्या हुआ, वॉज इट एवर फुलफिल्ड, क्या ये कभी पूरी हुई। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट। आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि उस ओल्ड प्रोफेसी का क्या हुआ। द ईयर्स हरीड, साल गुजर गए, और हरीड मीन्स तेजी के साथ गुजरना। एंड ब्राउट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, और उस उन सालों ने अर्नेस्ट के सर पर सफ़ेद बाल ला दिए, यानी अब अर्नेस्ट वक्त गुजरने के साथ साथ बूढ़ा हो रहा था, अधेड़ हो रहा था, और उसके सर पर सफ़ेद बाल आ रहे थे। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड, और उसके माथे पर और पेशानी पर रिंकल्स यानी झुर्रियाँ पड़ गई थी। एंड फ्रोज इन हिज चीक्स, और उसके गालों पर गहरे लाइनें पड़ गई थी, गहरे निशान पड़ गए थे। फ्रोज मीन्स डीप लाइन्स। He was an old man, वो एक बूढ़ा आदमी था, but not in when had he grown old, लेकिन उसका बूढ़ा होना, उसका मिडिल एज का होना, ये वेन नहीं था, यूजलेस नहीं था, बेकार नहीं था, वो यूं ही बूढ़ा नहीं हो रहा था। मोर numerous than the white hairs on his head were the wise thought in his mind, कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा उसके सर पर सफ़ेद बाल थे उससे कहीं ज़्यादा वॉइस थॉट्स यानी अकलमंदी वाले विचार और अच्छे विचार उसके माइंड में थे। मोर न्यूमरस मीन्स बहुत ज़्यादा। एंड अर्नेस्ट हैड सीज टू बी ऑब्सक्योर अनसाउट फॉर अनडिजायर्ड हैड कम द फेम विच सो मैनी सीक, और अर्नेस्ट जो था सीज मीन्स स्टॉप्ड, रोकना किसी चीज़ को, किसी चीज़ से अपने आप को बचाना, तो अर्नेस्ट जो था वो बचा नहीं पाया था, रोक नहीं पाया था किसको, टू बी ऑब्सक्योर, अपने नॉट वेल नोन,
ऑब्स्क्योर मींस अननोन, अपने अननोन होने को, यानी वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था, लेकिन ये फेमस होना अनसाउंड फोर था, यानी ना चाहते हुए भी था, अनडिजायर्ड था, ना इच्छा करते हुए था, हैड कम, और ये जो उसका जो फेमस थी ये आ चुकी थी, हैड कम द फेम विच सो मैनी सीक्स, जिसे बहुत से लोग चाहते हैं कि वो लोग फेम हो जाए, इसके लिए वो पैसे भी खर्च करते हैं और भी तरह तरह के जुगाड़ लगाते हैं कि वो फेमस हो जाए, लेकिन ये फेम और ये शोहरत अर्नेस्ट के अंदर खुद बखुद आ गई थी। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली, और जिस वैली में, जिस वादी में ये लोग रहते थे, उस वादी के की जो लिमिट्स थी, उसकी जो हद थी, सरहद थी, उससे आगे भी इसकी शोहरत हो चुकी थी, इसका फेम पहुंच चुका था अर्नेस्ट का। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज, कॉलेज के प्रोफेसर और जो सिटीज के, शहरों के जो एक्टिविस्ट होते थे, came from far to see and converse with Ernest. वो आते थे बहुत दूर दूर से इससे, अर्नेस्ट से मुलाकात करने के लिए और उससे बातें करते थे। And he received them with gently sincerity. और अर्नेस्ट उनको बहुत ही gently, बहुत ही दयालुता के साथ, बहुत ही kind होकर, sincere होकर उसको receive करता था, उनसे मिलता था। And he spoke freely with them of whatever came uppermost. और जो कुछ भी उसके दिल में होता था वो बिल्कुल फ्री होकर बात करते थे, फ्रीली विद देम ऑफ वॉट एवर केम अपरमोस्ट, जो भी उसके दिलों में आता था, आर ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट ऑन देयर ऑन, और जो भी उसके दिल के अंदर होता था, पड़ा हुआ होता था, उन सब को भी वो बयान करता था, यानी दोनों आपस में एक दूसरे के थॉट्स को कन्वर्ट करते थे और बिल्कुल खुलकर बात करते थे। व्हाइल दे टॉक टुगेदर हिज फेस वुड ब्राइटन, जब वो लोग बात करते थे, यानी आने वाले जो एक्टिविस्ट होते थे या कॉलेज के प्रोफेसर होते थे या कोई भी जो गेस्ट होता था, जब अर्नेस्ट से बात करते थे तो अर्नेस्ट का चेहरा ब्राइट बिल्कुल चमक जाता था, रोशन हो जाता था, अनअवेयर्स, लेकिन ये ब्राइटनेस जो उसके चेहरे पर आती थी ये उसे पता नहीं चलती थी, अननोविंगली कह रहे हैं कि उसे पता नहीं चलती थी, एंड शाइन अपॉन देम, और उनके ऊपर चमकती थी, एज विद अ माइल्ड इवनिंग लाइट, जैसा कि शाम के वक्त जब सूरज डूबने लगता है तो उससे जो हल्की सी रोशनी फूटती है और हल्की सी रोशनी निकलती है, ऐसी रोशनी इनके ऊपर चमकती थी, शाइन करती थी। व्हाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, जबकि अर्नेस्ट बूढ़ा हो रहा था, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ, गॉड ने इसी वैली में और इसी वादी पर एक पोएट को भेज दिया। He too was a native of the valley, जैसा कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि गेदर गोल्ड का भी वो वाली वैली और वादी नेटिव प्लेस थी, इसी तरीके से ब्लड एंड थंडर की भी वो वैली नेटिव प्लेस थी, इसी तरीके से इसकी भी ये वो वैली नेटिव थी। He too was a native of the valley, यानी poet. But had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. और इस पोएट ने लेकिन अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा, greater part, कहाँ गुजारा था? दूर शहरों में कहीं गुजार दिया था, और जहाँ भी वो गया, everywhere, उसकी जो म्यूज़िक थे, उसकी जो पोएट्री थी, उसने चारों ओर फैली हुई थी, चारों तरफ फैली हुई थी। Neither was the great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. लेकिन इन सब के बावजूद कि उसकी जो म्यूजिक थी वो चारों तरफ फैली हुई थी, हर कोई उसकी पोएट्री को एडमायर करता था, इसने कभी ग्रेट स्टोन फेस को नहीं भूला, और यहाँ तक कि उसने अपनी पोएट्री के अंदर, अपनी पोएम के अंदर भी इस ग्रेट स्टोन फेस को सेलिब्रेट किया। आप जो भी उसने कहा उसके फीचर्स के बारे में बतलाया हो, या ये भी कहा हो, जैसा कि बहुत से लोग ये मानते थे कि इस वैली और वादी की जो फर्टिलिटी है, जो इसकी सरसब्जी है, जो इसका की हरियाली है, वो इसी ग्रेट स्टोन फेस की वजह से है, तो हो सकता है ये सब बातें उसने अपनी पोम के अंदर बयान की हो, मेंशन की हो। The songs of this poet found their way to Ernest. इस पोएट की जो सॉन्ग्स थे, जो गाने थे, जो पोएट्री थी, वो कहीं से अर्नेस्ट के पास भी आ गई। Found their way to Ernest. उसने अर्नेस्ट की तरफ अपना रास्ता खोज लिया, ढूंढ लिया, मतलब अर्नेस्ट को मिल गई। He read them after his customary toil. Customary toil means usual work. जो रोजाना के काम होते थे, यूजुअली जो अर्नेस्ट करता था, उस काम को करने के बाद वो उस बुक को, उन पोम को पढ़ता था। सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर, उस बेंच पर बैठकर जो उसके कॉटेज डोर के
सामने थी, यानी उसके उसकी झोपड़ी के दरवाजे के सामने जो बेंच थी उस पर बैठकर पढ़ता था। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आईज टू द माउंटेन, और जो ही उसने उस पोम को पढ़ा उसने अपनी आंख उठाकर देखा माउंटेन को, यानी उसी ग्रेट स्टोन फेस को उसने देखा। ओ ग्रेट स्टोन फेस ही सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस, और उसने ग्रेट स्टोन फेस से कहा कि क्या ये आदमी, यानी जिसकी मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ये आदमी वर्दी नहीं है, ये आदमी लायक नहीं कि ये तुम्हारा रिजेंबल हो, तुम्हारे लाइकनेस हो, यानी तुम्हारे जैसा हो, क्या ये आदमी वर्दी नहीं है, ये उसने क्वेश्चन किया। द फेस सीम टू स्माइल, ऐसा लगा कि फेस ने ग्रेट स्टोन फेस मुस्कुराया, लेकिन बट डिड नॉट आंसर, उसने कोई आंसर नहीं किया। नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट though he lived so far away had not only heard of Ernest but had thought much about his character and wished to meet his man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. ab aisa hua ki ye jo poet tha though he lived so far away agarche ye bahut dur rehta tha had not only heard of Ernest usne sirf Ernest ke bare mein nahi suna बट हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर, उसने उसके थॉट्स के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में जो उसके कैरेक्टर से भी ज्यादा बड़े थे उसके बारे में सुना, तो उसके दिल में ये विश जागी, ये डिजायर जागी कि वो इस आदमी से मुलाकात करे। एंड विश्ड टू मीट दिस मैन हूज विजडम वॉक्ड हैंड इन हैंड, जिसकी अकलमंदी और जिसकी दानाई हैंड इन हैंड चल रही है, मतलब हर आदमी उसके बारे में जानता है और उसकी अकलमंदी उसकी विस्टम की को एडमायर करता है, उसकी तारीफ करता है। विद द नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ, उसकी जिंदगी की सिंप्लिसिटी के साथ, यानी बिल्कुल सादगी के साथ, बिल्कुल सीधे साधे ढंग से अर्नेस्ट अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा उसके अंदर विस्टम और अकलमंदी पाई जाती है। अब क्या हुआ, वन समर डे देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, एक दिन गर्मी के का दिन था, वो अर्नेस्ट के दरवाजे पर आ गया, उसके घर आ गया। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड, उसने देखा कि वो जो बुढ़ा बैठा था उसके हाथों में एक किताब थी, विच ही रीड, जिसको वो पढ़ रहा था, एंड विच ही रेड, एंड देन विथ अ फिंगर बिटवीन द लीव्स, और उसके जो वर्क थे उन वर्कों के दरमियान, जो पेज थे पेजेस के दरमियान, उसने अपनी उंगली लगा रखी थी। लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, और फिर उसने ग्रेट स्टोन फेस को बहुत ही प्यार से, बहुत ही लव के साथ देखा। गुड इवनिंग सेड द पोएट, तभी वो जो पोएट था जो वहाँ आया था उसके दरवाजे पर, उसने कहा गुड इवनिंग, कैन यू गिव अ ट्रेवलर अ नाइट्स शेल्टर, क्या आप इस ट्रेवलर को, यानी अपने आप को, उसने कहा ट्रेवलर ट्रेवल करके आया था, एक रात गुजारने के लिए जगह दे देंगे, शेल्टर दे देंगे। ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने बिल्कुल खुशी खुशी, बिल्कुल खुश होकर, हैप्पीली उसने कहा हाँ बिल्कुल। एंड देन ही एडेड, और उसने ये भी कहा, एंड देन ही एडेड स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कहा, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर, कि मुझे लगता है कि मैंने ग्रेट स्टोन फेस को इतने ज्यादा काइंड और इतना ज्यादा जेंटल किसी स्ट्रेंजर के आने पर नहीं देखा, यानी आज बहुत ही ज्यादा काइंड और बहुत ही ज्यादा जेंटल दिख रहा है ग्रेट स्टोन फेस। इस पिक्चर को देखिए कि ग्रेट स्टोन फेस पीछे दिख रहा है और अर्नेस्ट अपने दरवाजे पर बैठा हुआ है और पोएट उसके सामने आकर खड़ा है, और उसने उस वही जो बातें अभी हमने पढ़ी कि उसने उसको गुड इवनिंग बोला और कहा कि कैन यू गिव मी अ ट्रेवलर नाइट शेल्टर, ये सब बातें उसने कही। तो ये पिक्चर आप देख लीजिए, उसके बाद देखते द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम, पोएट जो था उसके बगल में बैठ गया, एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, और अब दोनों ने मिलकर बातें की। Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and gentle and kind. और पोएट कह रहा है कि उसने इस जैसे आदमी से, यानी अर्नेस्ट जैसे आदमी से अब तक बात नहीं की थी। Never before, इससे पहले उसने ऐसे आदमी से कभी भी कोई बात नहीं की थी। कैसा? So wise, अर्नेस्ट बहुत ही wise, बहुत ही अकलमंद था। And gentle, बहुत ही ज़्यादा gentle था, शरीफ था। And kind, बहुत ही ज़्यादा दयालु था। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ अर्नेस्ट के थॉट क्या है इस पोएट के बारे में, करें वॉज मूव्ड बाई द लिविंग इमेजेस
flung out of the poet's mind. Moved means here inspired. Ernest बहुत ही ज़्यादा inspired हुआ उन living images से जो कि poets के mind से निकल रहे थे. poet के minds के यानी poets के जो विचार थे, जो वो बातें कर रहा था great stone face के बारे में या जो भी बातें कर रहा था, उसकी ऐसा लग रहा था कि एक जिंदा इमेज, एक जिंदा तस्वीर निकल कर सामने आ रही है. इतना ज़्यादा वो चीज़ उसकी बातें इस Ernest को inspire कर रही थी, उसे उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था. As Ernest listened to the poet, जो ही Ernest उस poet की बातें सुन रहा था, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. उसे लग रहा था, उसने ऐसा imagine किया कि great stone face खुद झुक रहा है, was bending, झुक रहा है forward to listen, आगे की तरफ to listen to, यानी उनकी बात, उसकी बातों को सुनने के लिए. वो भी चाहता है कि वो इस poet की बातों को सुने. He gazed into the poet's eyes. इसलिए उसने poet की आंखों में आंखें डालकर, बहुत ही टिकटिकी बात कर उसने उसको देखा. Who are you, my gifted guest? He asked. और उसने पूछा कि आप कौन हो, my gifted guest? मेरे मेहमान, आप कौन हो? The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading. और उसने, पोएट ने क्या किया कि उसकी फिंगर्स को, जो जिस बुक पर Ernest की फिंगर थी, जिसको Ernest पढ़ रहा था, उसने वहाँ अपनी उंगली डाली. यू हैव रीड दिस पोम्स, सेड ही. उसने पूछा कि तुम ये पोम पढ़ रहे हो, ये सारी सॉन्ग्स पढ़ रहे हो. यू नो मी देन फॉर आई रोट देम. और तुम मुझे नहीं जानते, मैं ही हूँ जिसने इस पोम को लिखा है, यानी इस बुक का पोएट और इसका राइटर मैं ही हूँ. Again and again, Ernest examined the poet's features. बार बार Ernest ने उस poet के features को examine किया, बहुत ही गौर से, जांच पड़ताल के साथ देखा, सब कुछ गौर से देख रहा था. He turned towards the great stone face, then back. और वो great stone face की तरफ मुड़ा, फिर वापस इस पोर्ट को देखने लग गया, यानी इसको देखता फिर उसको देखता. ही शुक हिज हेड एंड साइड. उसने अपना सर हिलाया और एक आह भरी, एक सांस ली तेजी के साथ, इत्मीनान की सांस ली. व्हाई आर यू सैड, इंक्वायर्ड द पोएट. अब पोएट ने पूछा कि तुम इतना सैड क्यों हो, इतना डिसअपॉइंटेड क्यों हो, क्यों इतना मायूस हो. बिकॉज, रिप्लाइड Ernest, all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems I hope that it might be fulfilled in you. Usne kaha, Ernest ne jawab diya, kyunki main apni puri zindagi, puri apni life main intezar kar raha tha, main wait kar raha tha is prophecy ke fulfill hone ke bare mein, ki ye prophecy jo hai ki great stone face jaisa koi aadmi is valley mein aayega, wo uske bare mein main soch raha tha, main intezar kar raha tha. And when I read these poems, और कह रहा कि जब मैंने इस रेड दिस पोम, जब मैं इन पोम को पढ़ा, आई होप, तो मेरे अंदर ये आशा जागी, ये इच्छा जागी, और मैंने ये उम्मीद की कि हो सकता है कि ये प्रोफेसी फुलफिल हो जाए तुम्हारे अंदर, यानी पोएट के अंदर, यानी पोएट बिल्कुल रिजम्बल करेगा इस ग्रेट स्टोन फेस से. यू होप्ड, आंसर द पोएट फैंटली स्माइलिंग. हल्के से उसने मुस्कुराते हुए पोएट ने पूछा कि तू ऐसा होप कर रहे थे, तुम ऐसी उम्मीद कर रहे थे, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, कि ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस मेरे अंदर तुम तलाश कर रहे थे. आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस. मैं इस ग्रेट स्टोन फेस के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, मैं इससे बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं कर रहा हूँ. ये बातें, एक तरफ तो Ernest ये होप कर रहा है कि इस पोएट के अंदर इसका रिजेंबल मिल जाए, लाइकनेस मिल जाए, दूसरी तरफ पोएट इस बात का इनकार कर रहा है कि नहीं, मैं इस ग्रेट स्टोन फेस के लायक नहीं हो सकता, मैं इसके वर्दी नहीं हो सकता. व्हाई नॉट, आस्क्ड Ernest. जब उस पोएट ने कहा कि मैं आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, कि मैं ग्रेट स्टोन फेस के लायक नहीं हूं, तो Ernest ने पूछा क्यों नहीं. He pointed to the book. उसने कहा, उसने बुक की तरफ इशारा किया. Are not those thoughts worthy? और पूछा कि क्या ये thoughts जो तुम्हारे हैं, जो तुमने इन poem के अंदर रख रखा है, क्या ये वर्दी नहीं है, क्या ये लायक नहीं है. You can hear in them the distant voice of a heavenly song. आप सुन सकते हो इन poem के अंदर a distant voice, एक दूर की आवाज़, और वो दूर की आवाज़ ऐसा लगता है कि वो heaven की song हो, यानी स्वर्ग में या जन्नत में song चल रही हो, और वो song
तुम इन पोम के अंदर सुन सकते हो, इस पोम के अंदर सुन सकते हो। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज नॉट कॉरस्पॉन्डेंट विद माई थॉट्स। अब इसने अपनी वो बात बतलाई कि क्यों मैं कह रहा हूं कि मैं उसके लायक नहीं हूं, क्योंकि जो मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है डियर अर्नेस्ट, वो कॉरस्पॉन्डेंट नहीं है, यानी वो मेल नहीं खाती है, बीन इन हारमोनी विद, वो मेल नहीं खाती है मेरे थॉट्स से, यानी जैसे मेरी, मैं सोचता हूँ, जैसे मेरे विचार हैं, मेरी लाइफ से बिल्कुल अलग है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मैंने बड़े बड़े ख्वाब देख रखे हैं, मेरे बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, और वो सिर्फ और सिर्फ ड्रीम्स ही बनकर रह गए, सपने ही बनकर रह गए, कुछ हुआ नहीं। Sometimes I lack faith in my own thoughts. कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो मेरे thoughts हैं, मेरे जो विचार हैं, उन पर भी मेरा faith जो है, मेरा belief वो कम पड़ जाता है, वो हल्का पड़ जाता है। Why then pure seeker of the good and true should you hope to find me in the face of the mountain? और क्या एक प्योर एंड ट्रू एंड गुड सीकर, जो बिल्कुल प्योर है, अंदर से बिल्कुल खालिस है, एकदम ओरिजिनल है और अच्छा है और ट्रू है, सच्चा है, वो ग्रेट स्टोन फेस के रिजम्बल को का इंतज़ार कर रहा है और वो तलाशने में लगा हुआ है। शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द ग्रेट ऑफ द माउंटेन, क्या उसे मेरे अंदर उस माउंटेन के फेस का रिजम्बल देखना चाहिए, यानी नहीं, बिल्कुल मैं उसके लायक नहीं हो सकता। द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर विद टीयर्स, ये पोएट ने इन बातों को बहुत ही सैडली, दुखी, दुख के साथ बयान किया, दुख के साथ कहा, और उसकी आंखें इसमें उस वक्त आंखों से बिल्कुल सॉरी आंसुओं से बिल्कुल भर चुकी थी। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, और ऐसा अर्नेस्ट के साथ भी हुआ, यानी अर्नेस्ट की आंखें भी भीग चुकी थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। एट द आर ऑफ सनसेट, जब सूरज के डूबने का, सनसेट का टाइम आया, ही हैज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, कस्टम मीन्स हैबिट, जैसा कि उसकी आदत थी, उसका कस्टम था, उसकी हैबिट थी कि वो क्या करता था, अर्नेस्ट वॉज टू स्पीक टू अ ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर, वो अपने नेबर्स के ग्रुप के साथ टॉक करता था, उनसे बातें करता था, ओपन एयर में, बिल्कुल खुली जगह में। टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, अब दोनों साथ साथ, यानी पोएट और अर्नेस्ट दोनों उसी मीटिंग वाले प्लेस पर, जहां इस नेबर्स से अर्नेस्ट बातें करता था, वहां ये दोनों गए, आर्म इन आर्म, बाहों में बाहें डाले, हाथ को हाथ में डालकर। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, जहां से ग्रेट स्टोन फेस दिखाई दे रहा था, जहां से आसानी से दिख सकता था, वहां ये दोनों गए। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, अर्नेस्ट ने अपने जो ऑडियंस थे, जो उनकी बातों को सुनते थे, वहां की जो जनता थी, उनके ऊपर एक जानी पहचानी, फैमिलियर एंड काइंडनेस, जानी पहचानी दयालुता के साथ उसमें एक उस पर निगाह डाली। He began to speak to the people what was in his heart and mind. और उसने बोलना शुरू किया लोगों से जो कुछ भी उसके दिल में या उसके माइंड में था। His words had power. उसकी बातों में, उसके वर्ड्स में, उसके जो शब्द थे उसमें पावर था। क्यों? Because they agreed with his thoughts. क्योंकि जो उसके वर्ड थे और उसके जो thoughts थे वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच खाते थे। दोनों एक दूसरे के correspondent थे। इस वजह से उसकी बातों में दम था, उसकी बातों में पावर था। And his thoughts had reality and depth. और उसकी बातों में सच्चाई थी और गहराई थी। Because they harmonized with the life which he had always lived. क्योंकि ये जो thoughts थे, जो इसमें reality और depth दिख रहा था, ये उसके life से बिल्कुल match खाते थे। उसकी जिंदगी जिसी उसने ज़िंदगी गुजारी थी, उसके उसी thoughts के according गुजारी थी। It was not mere breath that the प्रीचर अटर्ड, ये सिर्फ हवा नहीं थी, जैसा कि प्रीचर, मोस्ट ऑफ द प्रीचर जो कहते हैं वो करते नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, ये वर्ड्स ऑफ लाइफ थे, यानी जिंदगी में जो कुछ वो करता था, जो कुछ उसने वो कर रहा था, वही बातें वो कह भी रहा था। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इन टू देम, और ये जो एक अच्छे कामों वाली और सेल्फलेस जो जिंदगी थी, ये और सेल्फिश जो प्यार था, ये उसकी बातों में बिल्कुल घुला हुआ था, बिल्कुल मिला हुआ था, बिल्कुल बातें उसकी
अच्छी कामों वाली और सेल्फिश लव वाली थी. द पोएट एज ही लिसन फेल्ट दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर अ नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोएट्री देन ही हैड एवर रिटन. जब पोएट ने उसकी बातों को सुना, अर्नेस्ट की बातों को सुना, तो उसने ऐसा महसूस किया कि द लाइफ एंड द कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट, कि अर्नेस्ट की लाइफ पर और उसके कैरेक्टर पर जो कि नोबलर स्ट्रेन थे, जो ज़्यादा बेहतर थे, ज़्यादा लायक थे, वर्दी थे कि इनके ऊपर वो अपनी पोएट को लिखे. और उसने कभी भी ऐसा लिखा नहीं था अपनी पोएट्री में, इस कैरेक्टर को और इस लाइफ को वो लिखे. हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स एंड ही सेड टू हिमसेल्फ दैट नेवर वॉज देयर सो वर्दी अ सेज एज द माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट. उसकी आंखों में आंसू भर गए थे. His eyes filled with tears and he said to himself, और उसने खुद अपने आप से कहा, that never was there so worthy a sage, जो सिर्फ वो कह रहा था कि कोई भी sage, कोई भी wise person, कोई भी साधु जो इतना mild हो, इतना sweet हो और उसके thoughtful face रखता हो, यानी बहुत ही विचारों वाला हो, with the glory of white hair diffused about, वो सारी की सारी बातें इस वाइट हेयर वाले, इस सफ़ेद बालों वाले इंसान में, इस आदमी के अंदर मौजूद हैं. एट अ डिस्टेंट बट क्लियरली टू बी सीन हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन अपीयर्ड द ग्रेट स्टोन फेस. दूर से लेकिन बट क्लियरली टू बी सीन, जहाँ इतनी क्लियर, जहाँ से क्लियर बिल्कुल देखी जा सकती थी, वहाँ से हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, सूरज के डूबने की जो गोल्डन लाइट थी, जो सुनहरी रोशनी थी, वो बढ़ रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी और वो ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर अपीयर हुई. विथ वाइट मिस्ट अराउंड इट, और इस ग्रेट स्टोन फेस के जो अराउंड चारों तरफ मिस्ट थी, एक जैसे धुआं था या आप कह सकते हो कोहरा था. Like the white hairs around the brows of Ernest, ऐसे ही जैसा कि अर्नेस्ट के जो ब्रोज थे, उसका जो माथा था, उसका जो पेशानी भाव था, उसके आसपास जो सफ़ेद बाल थे, ऐसे ही. At the moment, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms and shout. उसी वक्त अर्नेस्ट के फेस पर एक एक्सप्रेशन आया, टुक ऑन एन एक्सप्रेशन सो ग्रैंड, बहुत ही अच्छा एक एक्सप्रेशन आया जिसने पोएट को बहुत ही ज़्यादा मूव्ड कर दिया, इंस्पायर्ड कर दिया, उसको अंदर से मजबूर कर दिया वो कि वो टू थ्रो हिज आर्म्स अप एंड शाउट, कि वो अपने आर्म्स को उठाए और वो कहे, शाउट, चिल्ला कर कहे, बिहोल्ड बिहोल्ड, देखो देखो, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, कि अर्नेस्ट खुद ग्रेट स्टोन फेस के बिल्कुल लाइक है, उसी जैसा बिल्कुल दिख रहा है. और उसने ये बातें चिल्लाते हुए तेज तेज से कहीं. ये देखिए, ये तस्वीर देखिए कि लोग उसके आसपास खड़े हैं और कोई देखिए हाथ उठाए है, कोई अपने हाथ को किसी तरीके से किए हुए. देन ऑल द पीपल लुक्ड एंड सॉ दैट व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू. फिर सारे लोगों ने देखा, जब उन लोगों ने अर्नेस्ट को देखा तो उन्हें लगा कि हाँ, जो पोएट बातें कह रहा है वो बिल्कुल सच्ची है, सही है. द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, ये प्रोफेसी फुलफिल हो चुकी थी, पूरी हो चुकी थी. बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से took the poet's arm and walked slowly homeward. और जो अर्नेस्ट था, जब उसने अपनी बातें फिनिश कर ली, जो वो कुछ कहना चाहता था, उसने अपनी बाहों को पोएट की बाह में डाला एंड धीरे धीरे अपने homeward, यानी घर की तरफ चल पड़ा. Still hoping, अब भी वो उम्मीद कर रहा था, अब भी वो सोच रहा था, that some wiser and better man than himself would by and by appear, कि कुछ अक्लमंद लोग, कुछ वाइजर लोग, कुछ वाइज पर्सन और बेटर पर्सन, जो उससे भी ज़्यादा बेटर होंगे, उससे भी ज़्यादा वाइज होंगे, वो धीरे धीरे करके, समय समय पर एक एक करके आते रहेंगे. बियरिंग अ रिजेंबल्स टू द ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस के रिजेंबल को, उसके लाइकनेस को अपने साथ लिए हुए वो अपने घर की तरफ पोएट को लेकर चल पड़ा, और इस उम्मीद के साथ कि उससे बेटर और उससे अच्छे लोग आते रहेंगे. आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, कि कैसे ये प्रोफेसी पूरी हुई, जो लड़का और जो बच्चा यानी अर्नेस्ट उस प्रोफेसी के फुलफिल होने के इंतज़ार में था कि किसी दूसरे के अंदर ये पूरी होगी, वही प्रोफेसी खुद उसके अंदर पूरी हो गई. तो आपको ये वीडियो कैसी लगी,
अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी बुक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।